हेलो डॉक्टर सर, वेलकम टू द पेट वेट। हाउ आर यू सर? आई एम टू गुड सर, आप कैसे सर? एकदम ठीक, एकदम बढ़िया सर। आपसे बात करने में बहुत, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम डर्मेटोलॉजी पे बात करने वाले। तो सर, हम उस टॉपिक पे जाने से पहले सर, आई वुड लाइक टू नो लिटिल मोर अबाउट यू, योर प्रैक्टिस, आपका क्या एम्बिशन है, तो आप थोड़ा आपके बारे में अगर बता सके तो बहुत बढ़िया होगा। मैं नाम से शुरू करता हूँ इंट्रोडक्शन से। माय नेम इज डॉक्टर आदर्श शर्मा और मेरा अपना खुद का एक पेट हॉस्पिटल है भोपाल में, पेट संजीवनी वेटनरी क्लिनिक एंड डर्मेटोलॉजी सेंटर। अभी 2 महीने या 3 महीने पहले हम लोगों ने अपनी एम्बुलेंस भी लॉन्च करी है, दैट इज वर्कफुल फॉर स्ट्रे एनिमल्स एंड ब्रीड डॉग्स आल्सो। और अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछे तो मुझे अभी 3 या 4 साल ही हुए प्रैक्टिस करते हुए। आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फ्रॉम यूरोप, लक्जमबर्ग, यूरोप, ESAVS, यूरोपियन स्कूल फॉर एडवांस वेटनरी स्टडीज, जो कि डर्मेटोलॉजी में स्पेशलिस्ट मैंने किया है। अभी मैं इमरजेंसी केयर पे भी कर रहा हूँ, बट स्किन प्रॉब्लम में मेरा अच्छा खासा एक्सपर्टी है, केसेस काफी दूर दूर से भी आते हैं। और जो मैं एक छोटा सा अपना मोटो बस बताना चाहूंगा कि जब हमने शुरुआत करी थी तो बीइंग अ यंग वेटरनेरियन हर आदमी यही चाहता है कि यार थोड़ा मनी ग्रेथ हो, फेम मिले और बहुत सारी चीजें मिले। मतलब वो उस सेट से आता है कि डॉक्टर बन गए, पैसा भी हाथ में आएगा, सारी चीजें आएगी। लेकिन जब आप राइट कॉज से जुड़ जाते हैं, जब आपका मन लग जाता है कि नहीं यार मैं डॉक्टर हूँ और मेरी पहली प्रायोरिटी ये बनती है किसी की जान ना जाए, बस उसके अलावा अगर आप सोच रहे हो तो चीजें अपने आप मिलते जाएंगे। आपका प्राइमरी कॉज होता है कि एवरी फरी शुड गेट अ गुड ट्रीटमेंट और बिना ट्रीटमेंट उसकी जान ना जाए। तो ये जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलने लगा एक स्टेज के बाद, आपको थोड़ा पैसा भी मिल जाता है, सारी चीजें आ जाती है, सीधी सी बात है। बट जब आपके केसेस उस ओरिएंटेशन में देखने लगते हैं कि नहीं मैंने इसकी जान बचाई, ये मरने वाला था, तब आपको सोसाइटी में वो वैल्यू मिलती है जो आपको चाहिए। तो बिलीव मी, वी आर वर्किंग फॉर दैट। और हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि कोई भी जानवर हो, चाहे वो सड़क से निकला हो, वो नाली का हो, चाहे कहीं का भी हो, वी डजंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्राइमरी काम है मुझे उसे इलाज देना है, उसकी जान बचनी चाहिए, दैट्स इट। ये हमारा पहला मोटो। वाओ सर, मैं अगर कम शब्दों में बोलना चाहूं तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी क्लैरिटी। हमारा भी मतलब एज टीम ऑफ पॉसिबल, हमारा भी मोटो यही है कि इस सीरीज के पीछे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उनको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम उनको एजुकेट कर पाए, अवेयर कर पाए, ताकि वो अपने पेट को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाए, राइट? तो मतलब ये विजन आपका मैं एक्चुअली रिलेट कर सकता हूँ उसके साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और सर, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आपको मतलब व्हाट इज न्यू, दैट इज, और व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द पेट केयर इंडस्ट्री, हमारा पेट केयर इंडस्ट्री कैसे बढ़ रहा है या कैसे ग्रूम हो रहा है? क्या हो रहा है सर, आज से अगर 10-20 साल पहले आप अगर वेटनरी प्रैक्टिस पे जाते तो एक लार्ज एनिमल का सेक्टर माना जाता, स्मॉल डॉग्स, कैट्स, टर्टल, रैबिट्स, जो इसका चलन उतना ज्यादा नहीं था। जब से न्यूक्लियर फैमिली बनी है, जब से मोनो फैमिलीज आई है, या सिर्फ क्या होता है, एक बच्चा होता है और पेरेंट्स होते हैं, इसके अलावा कुछ होता नहीं। और आजकल लोगों का ट्रस्ट इंसानों पर थोड़ा कम है, मतलब अगर आप सोचेंगे तो हर इंसान डरा हुआ है कि यार अगर वो शहर में रह रहा है, एक फ्लैट में रह रहा है, यहाँ पे वारदातें होती, कुछ भी होती, तो उसका ट्रस्ट डॉग पे सबसे ज्यादा होता है, डॉग्स, कैट्स। और अगर आप अपने पेट, अपने छोटा जो बच्चा आपका है, उसके लिए कोई कंपेनियन ढूंढना चाहते हैं तो बिलीव मी आज की कंडीशन में वो पहला कंपेनियन उनके लिए डॉग ही होता है, यार एक अच्छा डॉग ले लिया जाए। और अब सीधी सी बात है, वो उसको फैमिली मेंबर मानते हैं। सर आपको मैं, आप हैरानी मुझे होती है जब मैं किसी डॉग का वैक्सीनेशन कार्ड बनाता हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं पूजा सारस्वत मैम या डॉक्टर आदर्श शर्मा का पेट मैं लेके आया हूँ, तो वो उसको, मान लो उसका नाम बबल है, वो सिर्फ बबल नहीं बोलेगा, वो बोलेगा बबल शर्मा। आप समझ रहे इस बात को? Yes. कि एक एक टूथ पे हिंट दी जाती है कि सर मेरा डॉग उल्टी कर रहा है, इसको प्रॉब्लम आ रही है, इसको हेयर फॉल हो रहा है, सर ये अच्छा फील नहीं कर रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो एक एक चीज रिलेट कर रहा है आज की कंडीशन में। इसी वजह से डायग्नोस्टिक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप समझ रहे हैं कि एलर्जी कंडीशन हुआ है, CBC, KFT, LFT, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, इसके अलावा CT स्कैन, MRI तक अब पहुंच गई है बातें। इवन दो ये हालत है सर कि मुंबई और दिल्ली के कुछ पेट हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हैं उनमें फ्लाई की भी फैसिलिटी है कि अगर आपके डॉग की ज्यादा हालत खराब है तो हम उसको सडन जेट प्लेन, सॉरी जो प्राइवेट प्लेन होते हैं, बता के यूएस भेज सकते। करेक्ट, करेक्ट। तो दिस इज द मार्केट सर, मतलब ये अनइमेजिनेबल है।
और अगर आप सही आप हमें आप इंडिया को किस मुकाम पे रेट करेंगे व्हेन यू लुक एट द वर्ल्ड, बिकॉज यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस जो आप बाहर भी सीख के आए हैं, तो आप कहाँ पे रेट करेंगे कि हमें और कितना प्रोग्रेस करना बाकी है, या क्या हम वर्ल्ड को टैकल करने के लिए एज अ पेट केयर इंडस्ट्री रेडी है? सर हम लोग अभी आप अगर मैं इसमें आपको निराश करूंगा क्योंकि इंडिया बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा क्यों है, हाँ हम अभी ग्रो कर रहे हैं, सारी चीजें डेवलप हो रही है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे जैसे मैं यूरोपियन लग्जमबर्ग की बात कर लूँ या किसी भी बड़ी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर बात कर लूँ, वो एनिमल्स को देखने का नजरिया उनका अलग है, बिल्कुल अलग है। अभी हमारी एक सोसाइटी ऐसी डेवलप हो रही है जो जानवर को बहुत प्यार करती है, जानवर के लिए काम करती है, उनको अपना एक हिस्सा मानती है, घर की फैमिली का मानती है, उन्हें ट्रीट कराती है, लेकिन इंडिया में अभी ट्रेंड आना बाकी है कि हर जानवर को उतनी वैल्यू मिले जितनी वो डिजर्व करता है, उतनी फैसिलिटीज मिले जो डिजर्व करता है। भाई आज हम इस स्ट्रीट डॉग में काफी काम कर रहे हैं, हमें एक टिपिकल आइडिया है, बहुत सारे डॉग है जब तक हम पहुंच ही नहीं पाते इलाज के लिए, स्ट्रक्चर जो है वो अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, बट अच्छी खबर यह है कि जो यूथ है सर, आप मैं भोपाल की बारे में भोपाल में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं आपको बात बताऊंगा, मेरे साथ कम से कम 250-300 वॉलेंटियर्स जुड़े हुए हैं, जीरो पैसा मिलता है उनको इस काम के लिए, कोई पैसा नहीं मिलता है, दे रेस्क्यू द डॉग, दे कम्स टू अस, हम उसको ट्रीट करते हैं, जितनी भी कॉस्टिंग होती है हम फंड रेज करते हैं, जो लोग अच्छा डोनेशन देना चाहते हैं उससे कराते हैं, हम हमारी पॉकेट से भी डालते हैं। ये एक युद्ध जो आ रहा है, ये बहुत इसको पता नहीं क्या मजा आ रहा है ये काम करने में, बट एटलीस्ट एक वो यूथ है जो नशे में बर्बाद होता जा रहा है और एक यूथ है जो इतना अच्छा काम कर रहा है, इनको अप्रिसिएशन अगर मिलता है सर तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग बड़ी बड़ी कंट्री को मात दे देंगे और ये यूथ ही हमारे लिए कर सकता है। डेफिनेटली एक यूथ की एक डेफिनेटली एक अलग एनर्जी डेवलप हो रही है हमारे देश में, जहां पे सब एक्टिवली इनपुट्स भी देना स्टार्ट किए हैं, राइट? सो डेफिनेटली मैं हर एक शहर में, आई एम श्योर कि हर एक शहर में, छोटा हो बड़ा हो, मेट्रो सिटी हो, डज नॉट मैटर, मेट्रो सिटी अगर बड़ा भी शहर है तो हर एक सेक्टर में कोई ना कोई एक इनिशिएटिव तो आज के दिन में ले ही रहा है, सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड ऑन दिस नोट लेट अस गो टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द डे व्हिच इज डर्मेटोलॉजी। तो सर मैं बहुत सीखूंगा आज के इस एपिसोड में, क्योंकि मुझे एब्सोल्युटली जीरो अवेयरनेस है डर्मेटोलॉजी के बारे में। तो सर आप प्लीज बताइए कि क्या क्या डिसीजेस हैं जो डर्मेटोलॉजी से जुड़े हुए हैं, स्किन से जुड़े हुए हैं। हम बेसिक से शुरू करते हैं सर, जैसे भी कोई डॉग होगा सबसे पहली प्रॉब्लम आप उसकी डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड देखेंगे वो होगा हेयर फॉल, उसका बाल झड़ना, ठीक है? अगर बाल झड़ रहे हैं उसके साथ इचिंग हो रही नहीं हो रही, ये दूसरा कारण हो जाएगा, ठीक है? तो बाल झड़ने के मैं एक दो कारण आपको बता देता हूँ फटाफट। पहला कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो मिनरल्स की कमी होता है। जिन डॉग्स के बाल बड़े होते हैं, जो हैरी ब्रीड होती है, जैसे जर्मन शेफर्ड हुआ है, शैन बर्नार्ड हुआ है, सिट्ज़ू हुआ, लासा हुआ, इनके बाल बड़े होते हैं, इनके बाल बड़े, सीधी सी बात है उनको अदर सप्लीमेंटेशन की जरूरत है, ओमेगा सोर्स, मल्टी विटामिन, जिंक एंड बायोटिन की जरूरत होती है, और ये इतनी आसानी से उनको खाने में मिलता नहीं है अगर सिर्फ पीट पे बेस पे। इनिशियल स्टेज में जब फॉलिकल डेवलप हो रहा है, हेयर फॉलिकल, अगर हम ये सप्लीमेंटेशन उसको दे दें, महीने या दो महीने भी आपने दे दिए, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया नॉर्मल हेयर फॉल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपके डॉग को इचिंग हो रही है तो मसला अलग हो जाएगा, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं। इचिंग क्या होगा, इचिंग के 4 या 5 कारण होते हैं, मेनली वो फटाफट आपको बता दे रहा हूँ। सबको पता है फंगल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक और कुछ ऑटो इम्यून और हार्मोनल डिसीज होती है। फंगल बैक्टीरियल बहुत आसानी से पकड़ में आ जाती है, हर दूसरी दुकान पे इनका सॉल्यूशन अवेलेबल है, कोई भी स्प्रे ले लो वो आजकल ऑलराउंडर ही होता है, उसमें फंगल बैक्टीरियल सब इन्वॉल्व होता है, वो आराम से ठीक हो जाएगा, ठीक? तो ये बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है, मान लीजिए उसको माइट हो गया, डेमोडेक्स हो गया, मेंज हो गया, इसको ट्रीट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है एक नॉर्मल वेटेरियन के लिए भी, क्योंकि जब आप कोई स्किन प्रॉब्लम डील करो तो पहली प्रॉब्लम होती है कि खुजली चल रही बहुत तेज, उसको कंट्रोल करो। खुजली कंट्रोल के लिए नॉर्मली स्टीरॉइड यूज होता है, कोई बुराई नहीं यूज करने में, होते हैं कम लिमिटेड अमाउंट में यूज करोगे अच्छी बात है, बट इट इज हाईली कंट्राइंडिकेटेड इन पैरासिटिक इन्फेक्शन जो डेमोडेक्स मेंज होती है, ठीक है? अब अगर आपने गलती से उसको उसमें दे दिया कि यार चलो आज इसकी खुजली बंद हो जाएगी, कल तक हम माइट्स कंट्रोल कर लेंगे, वो केस आपका बिगड़ जाएगा, मैंने अपनी आंखों से देखे ऐसे किसी। सो हमें इस चीज का ध्यान रखना, पैरासिटिक इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होगा। अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कवर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो सब लोग जाने, भाई हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो होती है उससे बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि स्किन को अफेक्ट करता है,
जब भी थायराइड की प्रॉब्लम किसी डॉग को हो रही है या दूसरे हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, उसकी स्किन मोटी हो जाएगी। मोटी होने की वजह से वहां पे फैट्स ज्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, तो डॉग को एक अलग ही वजन फील होगा और वो बहुत ज्यादा ईच करेगा। तो आप देखेंगे कभी कभी, और सबसे इंपॉर्टेंट आप बीगल में नोटिस करिए, बीगल ब्रीड सबसे ज्यादा प्रोन होती है इस प्रॉब्लम के लिए। उसको एक तो एंजाइटी लेवल थोड़ा नॉर्मल डॉग से ज्यादा होता है, एंजाइटी की वजह से वो अपने आप को चाटने लगता है, अपने आप को लेक करने लगता है, ठीक है, और नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे हेयर फॉल बहुत जल्दी उस एरिया का बढ़ जाता है। थायराइड उसको होना ही होना है, मतलब 90% बीगल में मैंने थायराइड देखा है। एक स्टेज होती है, अगर अर्ली स्टेज में आपने पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये स्टेज बढ़ गई, उसके मेंटल में वो इन्फ्लुएंस हो गया कि भाई मुझे चाटना है अपने आप को, इससे मुझे रिलीफ मिलता है, ये मेंटली प्रॉब्लम है, एंजाइटी वाली है, तो वो फिक्स हो गया, अब आप उसका कुछ ही नहीं कर सकते। बिलीव मी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी भी, मतलब ये हमें बहुत विग्रेसली डर्मेटोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ और यूरोप लग्जमबर्ग के भी कुछ कंट्री के साइंटिस्ट उससे जुड़े हुए हैं, स्टिल दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। तो जो मेडिसिन अवेलेबल है वो इतनी कॉस्टली है कि उनको अफोर्ड कर पाना एक नॉर्मल पेट पेरेंट्स के लिए मुश्किल। तो सर मेरा सवाल ये है कि लाइक कैसे पकड़ेंगे? आपने बोला कि अगर आपने जल्दी पकड़ लिया तो उसका सोल्यूशन है, लेकिन पकड़ेंगे कैसे? लाइक व्हाट आर द सिम्टम्स दैट यूजुअली दीस डॉग्स और कैट्स आल्सो, आई वुड लाइक टू यू नो आस्क यू अबाउट कैट्स आल्सो। हां, तो मैं कैट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सर, कैट में स्किन प्रॉब्लम डॉग से थोड़ी कम ही होती है, उसका पहला कारण इसलिए है क्योंकि दे आर सेल्फ ग्रूम्ड, वो अपने आप को साफ अच्छे से रख सकते हैं। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ईयर माइट्स की, कान के अंदर माइट्स हो जाती है और वो आप कान के अंदर तो कैट खुजा नहीं सकती, वो खुजली करेगी कान के ऊपर, तो वहां का पूरा आप देखेंगे सबसे ज्यादा हेयर फॉल अगर कहीं मिलेगा कैट में तो कान के आसपास मिलेगा, तो उसको स्पॉट ऑन से और दूसरे केमिकल से आराम से किया जा सकता है सॉल्व, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको पकड़े। मेरा ये मानना है कि जब भी आपका डॉग आप ले रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में तो हर 3 महीने में एक बार डॉक्टर को दिखाए, और इसके बाद जब वो 1-1.5-2 साल का हो जाए तो हर 6 महीने में आप एक विजिट डॉक्टर के पास जरूर कर लें। Right. उसके आपके फायदे में अभी गिना रहे चाहूंगा। पहला, डॉक्टर एक ही नजर में पकड़ लेगा कि आपका डॉग लीक कर रहा है, वो किस कारण से कर रहा है, किस एक्सेस से, क्योंकि आप सीधी बात है, आपसे मैं पूछो आपका डॉग अपने आप को चाट रहा था, बोले अरे अरे, तो हर दूसरा डॉग करता है। ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। थोड़ा बहुत लीक करना और विग्रस लीक करके अपने आप में ब्लड निकाल देने में अंतर है। तो अगर आप हर 6 महीने में अगर अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलने वाले। दूसरा, उसका एक और फायदा होगा, हमारे पास जब भी कोई पेट आता है ना सर, तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है उसको हैंडल करने की। मान लीजिए कोई बहुत फ्यूरियस पेट है, वो है बहुत एडाप्टेबल है, वो बहुत प्यारा है, हम मानते हैं, बट वो कोऑपरेटिव नहीं है, ठीक है। बट अगर आप रेगुलर डॉक्टर की विजिट कर रहे हैं तो उसका और डॉक्टर का बॉन्ड बन गया, ठीक है, राइट, आप डॉक्टर और उनका बॉन्ड बन गया, सीधी बात है, उसको ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। करेक्ट, ये हमने बहुत बार फेस किया है कि कुछ डॉग्स, सिर्फ मैंने ये भी देखा है डेथ हो गई है सिर्फ इस कारण से हो गई कि वो ट्रीटमेंट ही नहीं करने दे रहा है, ऑनर की भी बात नहीं मान रहा है, वो आईवी लगाने नहीं दे रहा, फ्लूड नहीं लगाने दे रहा, स्किन प्रॉब्लम तो बहुत दूर की बात है। तो अगर हम एक रेगुलर विजिट डॉक्टर को दे, दूसरा आपने हमेशा याद रखना हाइजीन का, अपने डॉग को एटलीस्ट कम से कम 15 दिन में एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है, करवा लेना है। और दूसरा, कॉम रूज करिए सर, कॉमिंग इज द की और गुड हेल्थ ऑफ स्किन इन डॉग्स की है ये बिल्कुल। क्यों? आप जब भी कॉम करते तो एटलीस्ट आप उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहे हैं, राइट। अब जैसे छोटे बाल वाला डॉग है तो आपको तो एक दिन में 2 दिन में स्पॉट हो जाएगा कि भाई इसको स्किन प्रॉब्लम मिल हो रही है। आपके पास डबल कोट जर्मन शेफर्ड है, मजा ले कि आप पहचान पाए, भाई आप नहीं पहचान पाएंगे। आपको जब वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना बहुत, तब जाके आपको समझ आएगा। और जब तक आपके लिए अब आप रोज कॉम कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व होगी, 15 दिन में एक बार मिलाइए, डेली कॉम करिए और 3 महीने या 4 महीने में एक बार डॉक्टर को विजिट करा ही लीजिए। आपका थोड़ा बहुत पैसा जरूर खर्च होगा लेकिन वो आपको आगे बेनिफिट मिलेगा, ताकि एकदम से कोई खर्च नहीं होगा, तो इससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं।